ठंड ना बहुत गजब की हो रही है। अभी तक मैं गाड़ी चला रहा था, हाथ बिल्कुल एकदम फ्रीज हो चुके थे यार, फ्रीज। और पानी जो है पूरा नीले कलर का दिखाई दे रहा है। हर हर गंगे जय माँ गंगे। इस शहर से निकला हुआ पानी ना बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंडा था यार, बहुत ज्यादा चिल था। वहां पे ग्लेशियर वहां से सीधे बहता हुआ गोमती। मैं हूँ अभी उत्तर की काशी। यहाँ पर एक व्यू दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, और व्यू के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। धनौल्टी पे और यहाँ पे ले रहे मैगी के मजे, और ठंडा तो बता नहीं सकता भाई, बहुत ज्यादा ठंडा। इधर पे हमने लिए कॉफी और मैगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माँ सुरकंडा के इस ट्रैक के नीचे में, जहाँ से सुरकंडा देवी का रास्ता जाता है। यहाँ से है सुरकंडा देवी का ऊपर को रास्ता, और अभी तो यहाँ पे ट्रॉली भी लग चुकी है, और आसपास की छोटी सी बाजार है सुरकंडा देवी की, और हमें अभी बहुत आगे तक निकलना है। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तरकाशी। मैं हूँ अभी उत्तरकाशी में, और मेरा यहाँ से प्लान है आज हर्षिल वैली को एक्सप्लोर करने का। तो आज मैं हूँ, कल मैं पहुँच चुका था उत्तरकाशी पे, राइट नाइट स्टे किया था हम लोगों ने उत्तरकाशी में ही, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हर्षिल वैली के लिए, जो यहाँ से है ओनली 75 किलोमीटर्स। तो आज उधर से जाएंगे, हो सकता है वहाँ से गंगोत्री धाम भी जा सके। तो देखते हैं क्या कुछ आज के ब्लॉग में हो पाता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद मैं कुछ बेहतरीन शॉर्ट्स के साथ में। हम हर्षिल के रास्ते में हैं, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो चारों तरफ का व्यू यार, बहुत तगड़ा व्यू है भाई। और उधर पे देखो हिमालय भी दिखाई दे रहा है, और पानी जो है पूरा नीले कलर का दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान नीला, नीचे पानी नीला, और रास्ते काले, पहाड़ काले। तो कुछ ऐसा व्यू हो रहा है, ऐसा मूड माहौल हो रहा है भाई। ठंड ना बहुत गजब की हो रही है। अभी तक मैं गाड़ी चला रहा था, हाथ बिल्कुल एकदम फ्रीज हो चुके थे यार, फ्रीज। पहुंच चुके हैं हर्षिल के पास में ही, और इधर पे ना बर्फ वाली चोटियाँ भी दिखने लग चुकी है। देखो सामने पे भी बर्फीली चोटियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी, और ठंडा तो यार पूछो मत, बहुत गजब का ठंडा हो रहा है, बहुत गजब का। और हर्षिल फेमस है अपने एप्पल गार्डन्स के लिए, और ये है जोशी जी। तो जोशी कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और क्या लग रहा है? थोड़ा सा जी बहुत ठंड है यार। अभी यहाँ पर नाश्ता करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अपनी चाय, और ये है पराठे, जो है 50 रुपये का एक पराठा, और 20 रुपये की है चाय। हर्षिल वैली के फेमस है सेब, और यहाँ से हमने सेब ले लिया है। एप्पल हम यहाँ पे खा रहे हैं हर्षिल, क्योंकि फेमस अपने सेब के लिए, और बहुत मीठा सेब हो रहा है। कैसा हो रहा है? बहुत मीठा ऑर्गेनिक एप्पल, एप्पल से हम एप्पल खा रहे हैं। तो अभी यहाँ से बचा है हर्षिल केवल 5 किलोमीटर आगे, और 5 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही खतरनाक और भयानक सा दिखाई दे रहा है। पतली सी रोड है, ऊपर खड़ी सी चट्टान, और नीचे पे बहती हुई भागीरथी नदी बहुत ही गजब की दिखाई दे रही है नीले कलर में। और ठंडा तो यार अभी भी खत्म नहीं हुआ, 11 बज चुके हैं दिन के, और धूप आ चुकी है, फिर भी ठंडा खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक जगह पर रुके हुए, और यहाँ पर एक व्यू दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, और व्यू के बारे में कमेंट करके जरूर बताना कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। तो हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम के पास में ही, और ये है इधर की छोटी सी मार्केट, तो आगे जाके ही मंदिर है गंगोत्री धाम का। तो हमें भी गंगोत्री धाम के इस रास्ते पे हर हर गंगे जय माँ गंगे। मैं हूँ अभी गंगोत्री धाम में, उत्तराखंड के प्रमुख 4 धामों में से एक, द्वितीय नंबर पे आने वाला गंगोत्री धाम। प्रथम नंबर पे आता है यमुनोत्री, तत्पश्चात
गंगोत्री, फिर केदारनाथ एवं फिर बद्रीनाथ। तो मैं हूँ अभी दूसरे नंबर के धाम पे, जहाँ पे है माँ गंगा का निवास गंगोत्री धाम। भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ यह गंगोत्री धाम एक अलौकिक, अपने आप में ही एक अलौकिक मंदिर है। यहाँ पे गंगा मैया विराजमान रहती हैं और नीचे पे ही भागीरथ नदी बहती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गंगा मैया को स्वर्ग से लाने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की थी, और उसके बारे में यहाँ पे पूरा इस पे दर्शाया गया है, जिस पे कि दर्शाया गया है कि किस तरह से भागीरथ जी ने तपस्या की। तत्पश्चात गंगा का वेग ज़्यादा होने के कारण वह धरती पे नहीं आ पा रही थी, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उनका वेग समाया, उसके पश्चात माँ गंगा धरती में आई। तो ये गंगोत्री धाम का मंदिर है जिसके दर्शन आप लोग कर रहे हैं। भागीरथी नदी के किनारे पे थे, यहाँ पे हमने पंच स्नान किया। नहाने की हिम्मत तो होनी हो रही थी क्योंकि ग्लेशियर से निकला हुआ पानी ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा था यार, बहुत ज़्यादा चिल था वहाँ पे ग्लेशियर, वहाँ से सीधे बहता हुआ गौमुख से निकलता हुआ भागीरथी नदी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो अभी यहाँ से प्लान है, गंगा जी के दर्शन हो चुके हैं, वापस चलते हैं यहाँ से। और इसी के साथ मेरे यहाँ तीन धाम पूरे हो चुके हैं, मात्र एक धाम बचा है यमुनोत्री धाम, जो सब लोग सबसे पहले करते हैं, शायद मैं वो सबसे लास्ट में करूँगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे सेब की वैरायटी कौन कौन से है भैया? ये डेलिशियस है, डेलिशियस गोल्डन, ये रेड गोल्डन, ये महाराजा है, चार वैरायटी है, चार पांच, चार नहीं पांच है। अच्छा, और एक वैरायटी है गाला सेब, ये बहुत महंगा सेब, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो है, और सबसे कम है इनके पास 40 रुपए किलो से स्टार्ट है। तो इस तरह से यहाँ सेब की मार्केट लगी हुई है हरसिल के पास में, फेमस जगह है से एप्पल के लिए, और यहाँ बहुत वैरायटी के सेब पाए जाते हैं। तो जी गंगोत्री धाम से मैं नीचे आ चुका हूँ, धारचू से थोड़ा सा आगे आया हुआ हूँ, और यहाँ पे हरसिल और धारचू के बीच में एक बहुत बढ़िया सी लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखानी है, जो मैंने देखी वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो लेट्स चेक इट।